हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस यू वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, डायरेक्ट इन एग्ज़ाम क्वेश्चन सीरीज, जिसका दूसरा पार्ट आज होने वाला है। हम इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। इस प्लेलिस्ट में वही वीडियो डालेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टकराने को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। ये हम प्रूफ कर देंगे, जिस दिन एग्जाम होगा उसके अगले दिन हम प्रूफ कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है? कोई सोचने वाली बात है नहीं दोस्तों। किसी को संदेह और शक होगा तो नहीं देखिएगा, ठीक है? जिसको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है तो आप जरूर देखिएगा, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। लाइक वगैरह तो करना है लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये केवल सचिवालय परीक्षा के लिए, मोटिवेशन के लिए, या सिर्फ सचिवालय परीक्षा के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है? और भी कोई देख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सचिवालय से इसको काफ़ी इसको मतलब उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, समझे ना? इसलिए अलग से हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। कुछ लोग का कमेंट आता, थोड़ा आराम से बोलिए। अरे भाई, मेरे स्पीड है बोलने का थोड़ा, इसलिए हो जाता है। कोशिश करेंगे धीरे बोलने के लिए, मतलब फास्ट हो जाता है ज़्यादा, ठीक है? क्या कीजिएगा, आदत है फास्ट बोलने का तो हो ही जाता है। धीरे धीरे बोलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर हमको, लेकिन कोशिश करेंगे अपने हिसाब से थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, ठीक है? और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं रखेंगे दोस्तों, 15-20 ज़्यादा नहीं रखेंगे, और इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी बताना पड़ेगा ना, इसलिए सेलेक्टेड करेंगे बढ़िया बढ़िया काम करने वाले, ठीक है? और 11 बजे दोस्तों इतना इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इतना बढ़िया कंसेप्ट देने वाले हैं आपको, 6 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। 11 बजे जरूर देखिएगा वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा दोस्तों। सचिवालय परीक्षा खास करके दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन बहुत चांसेस लग रहा है बनेगा वहाँ से। 6 पॉइंट बताने वाले आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, सारा कन्फ्यूजन वहाँ पर दूर होने वाला है। एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दिखा देंगे आपको, बस आपको एग्जाम में टेंशन ही नहीं होगा उसके बाद आपको, ठीक है? कहीं भी बैठिएगा वहाँ से क्वेश्चन, जब भी आप एग्जाम देते हैं जरूर गलती करके आते होंगे वहाँ से, लेकिन आपको 11 बजे आप क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग आज दूसरा, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है? इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका GSSC वाला करके टेलीग्राम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं रहा, इसमें क्या बताएं, इसमें क्या बताना बताइए। विच इज नॉट ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबको पता है इस बात, ज्वार, चावल, ठीक है, ग्राम और मिलेट्स, बताइए। बाजरा को मिलेट बोलते हैं ना, तो बताइए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ये है, चावल भी है, ये बाजरा भी, लेकिन चना नहीं है, ठीक है? इसका आंसर ग्राम होगा, चना जिसको बोलते हैं। चलिए, गलत से मिलेट सेट का चेंज, गलत बताना है आपको कौन सा, बताइए। इसको गलत नहीं बता पाइएगा, इनकरेक्टली मैच कौन सा किया गया। देखिए, अस्थित मृदुता जिसको क्या बोल लेते हैं, कोले कैलेस्पिरोल, रतौंदी जिसको नाइट प्लैनेट बोलते हैं, इसको रेटिनॉल, ठीक है? बेरी बेरी किसको बोलते हैं बताइए, विटामिन B1 को बोलते हैं, बेरी बेरी सभी को पता है, ठीक है? इसको क्या, एस्कॉर्पिक एसिड, एस्कॉर्पिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं भैया, यही तो गलत हो गया। एस्कॉर्पिक एसिड विटामिन सी को बोल, यही गलत हो गया आपका। ब्लडिंग, ये क्या ब्लडिंग डायथेसिस किसको है, फाइलोक्रिन के बोलते हैं, इसे कौन गलत ये बोला है, ठीक है? देखिए दोस्तों, आपको नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या याद रखना है। देखिए, पहली बात है दोस्तों, कीड़ा याद रखना है, KEDA, ये क्या फैट सोल्यूबल विटामिन है। एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल है, ठीक है? तो कीड़ा याद रखना फैट सोल्यूबल, और बी और सी ये वाटर सोल्यूबल। बी में कुछ भी है, बी में कौन कौन सा है, B1 भी आ जाता है, B2 भी आ जाता है, B3, B4 ऐसे सब आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो B1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, B1 को आपको नाम पूछता है, थायमिन बोलते हैं, B1 को थायमिन बोलते हैं, B1 को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। और B2 को क्या बोलते हैं, रेबोफ्लाविन, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसका नाम पूछता है, ठीक है? B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को रेबोफ्लाविन बोलते हैं, और B3 को नियासिन, B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, ठीक है? B3 को नियासिन डिजीज, पेलेगेरा डिजीज जिसको बोलते हैं नियासिन B3, आपको याद रखना है। B1 याद रखना है, B7 याद रखना है, अरे याद B9, देखिए B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, याद रखना है, क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, बस दिमाग में रखना है, B9 फोलिक एसिड प्रेगनेंसी, बस इतना याद रखना है, B9 फोलिक एसिड प्रेगनेंसी। क्वेश्चन कुछ भी आएगा एग्जाम में देखिएगा, मार दीजिएगा, B9 फोलिक एसिड प्रेगनेंसी, B7 बायोटिन बोलते हैं, B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं, हिंदी में यही बोलते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। और ये चमड़ा से रिलेटेड, बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजी जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? ये सब चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, सियोर शॉट बोल रहे हैं, सीरीज से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना? बाकी चलिए जो भी है, चलिए, विटामिन्स, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटोनाइड्स, फाइटोकेमिकल्स और प्रति उपचायक से भरे हुए हैं, बताइए। इंग्लिश में बोल देते हैं, आर लोडेड विथ विटामिन्स, मिनरल्स, बीटा कैरोटीन्स, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड, फाइटो केमिकल्स, किससे, डेयरी प्रोडक्ट से, ठीक है? याद रखिए, डेयरी प्रोडक्ट से भरा हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है इसे।
रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन। क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन के लिए विटामिन के, सभी को पता है विटामिन के ब्लड कोएगुलेशन, दिमाग में रखिएगा विटामिन के ब्लड कोएगुलेशन। क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रॉसबेरी जैसे जामुन जिस आहार खनिज से भरपूर है, किसे? आयरन, मैंगनीज, आयोडीन, कैल्शियम, किससे बताइए? याद रखिएगा दोस्तों, बेरी लाइक क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज एंड रॉसबेरीज आर रिच इन विच डाइटरी मिनरल मैंगनीज, किससे दोस्तों? जितना मैंगनीज याद रखना है, मैंगनीज, ठीक है, याद रखिएगा मैंगनीज से भरा पड़ा है इसमें, ठीक है, मैंगनीज से। कहने में क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खाइएगा तो मैंगनीज का मात्रा बढ़ेगा आपके शरीर में, रॉसबेरी सब क्या करता है मैंगनीज का मात्रा बढ़ा देता है आपको, ठीक है, मैंगनीज। निम्नलिखित में कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस, विच इज द फ्लोइंग द मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस, बताइए। फास्फोरस आलू, आमला, संतरा, दूध, तो फास्फोरस, फास्फोरस ये दूध हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर दूध हो जाएगा, फास्फोरस से दूध। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है? अभी बताए थे नियासिन B3 पेलेगेरा, नियासिन B3 पेलेगेरा, अभी बताएं कहाँ गया पेलेगेरा, एस्कर्वी, रिकेट्स, विटामिन डी, एस्कर्वी, विटामिन सी, याद है ना, सब याद है आपको। परनेसियस एनीमिया, विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको इसको बोलते हैं परनेसियस एनीमिया, सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, चिंता करने के विषय है ही नहीं। B3 पेलेगेरा, B7 बायोटिन जिसको चमड़ा से रिलेटेड करना है, अब B9 बोलेगा तो फॉलिक एसिड जिसे प्रेगनेंसी से रिलेट करना है, बस दिमाग क्लिक कर जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप पोषण में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो तरह के होते हैं माइक्रो और, ठीक है, दो तरह के होते हैं माइक्रो और, चलिए बताना है आपको, माइक्रो और माइक्रो, माइक्रो और माइक्रो, तो बताइए इसमें कौन होगा? इसमें चलिए बताइए, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, देखिए पहली बात आपको यह 17 एलिमेंट याद रखना है आपको कि ये ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों 9 कंसीडर करते हैं और एक 8, कितना बचेगा 8 ना, इसको मैक्रो, इसको मैक्रो बोलते हैं, 9 मतलब मैक्रो सबसे इससे बड़ा और 8 मतलब माइक्रो, 8 मतलब माइक्रो, माइक्रो तो आपको दिमाग एग्जाम्पल पूछता है मैक्रो कौन है और माइक्रो कौन है, तो मैक्रो देखिए जितना भी आपको पीरियोडिक टेबल नाम दिख रहा है अच्छा अच्छा मतलब जिसको लग रहा है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कौन कौन सा होता है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है, क्या पूछा, रखिए ये मैक्रो पूछा है, मैक्रो मतलब मैक्रो पूछा है, कौन नहीं है मैक्रो। चलिए तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम माइक्रो है, आयरन जो है माइक्रो है, तो इसमें से कौन कौन सा, इसमें 8 होता है, आयरन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या माइक्रो में, तो एग्जांपल पूछता है, एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। पादपों के उत्पकों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन जिसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन कहते हैं, नाम बताना है। कहने मतलब दोस्तों विच हार्मोन्स विच अकर नेचुरली इन प्लांट टिशू एंड कॉमनली नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट टिशू में कौन सा पाया जाता है इसको स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, प्लांट टिशू में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं एसबिस्किक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं ABSCIISS ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक, इसको यही बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन से पता है, ऑक्सीजन क्या होता है बताइए, फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया गया था ऑक्सीजन, क्या नाम है पूछ देगा, फर्स्ट प्लांट हार्मोन में से कौन सा है, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं फर्स्ट प्लांट हार्मोन, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए साइटोकिनिन सेल डिवीजन का पता ही, ये चीज़ आपको पढ़े होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। क्लोरोलिसिस, देखिए इसमें फंस जाएगा लड़का लोग, क्यों, क्लोरोलिसिस इन ए प्लांट ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, कहने का मतलब इसको हिंदी में कर देते हैं, पौधों में क्लोरोलिसिस मतलब किसकी कमी से होता है बताइए, क्लोरोलिसिस तो आपको क्लोरीन मार दीजिएगा क्योंकि ClCl मिल रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों जिंक की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है दोस्तों, जिंक की कमी से क्लोरोलिसिस होता है, ध्यान में रखिएगा, जिंक की कमी से क्लोरोलिसिस होता है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ गया दोस्तों गलती कर जाइएगा फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का
पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? कहने का मतलब दोस्तों, रेस्पिरेशन का टाइम प्लांट में जब रेस्पिरेशन होता है तो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज को, किस में, देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं, ग्लूकोज को किस में जाता है दोस्तों? पायरुविक एसिड में, किस में? PYRUVIC, पायरुविक एसिड। उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को, पायरुविक एसिड को ग्लाइकोल एसिड बोलते हैं, सभी को पता है इस बात को, ग्लाइकोल एसिड मतलब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्रैब साइकिल आ गया, क्या आ गया? KREB क्रैब साइकिल एक आ गया, एक आ गया क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्रैब साइकिल क्या होता है, सिंपल याद रखना है, क्रैब साइकिल में क्या रखना है आपको, चलिए इसमें देखिए, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, इसको साइट्रिक, क्रैब साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, CIT साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, बस इतना याद रखना है, साइट्रिक एसिड साइकिल किसको बोलते हैं, क्रैब साइकिल को बोलते हैं दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतना याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, बस क्रैब साइकिल में क्या रखना है, एग्जाम काम आ जाएगा आपको, साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, चार साइकिल दे देगा तो साइट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल बोलते हैं, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया, इसको नाम याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रिएक्शन टेकिंग पार्ट काम करता है, इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया, और केल्विन साइकिल बोलेगा तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ठीक है, इसको C3 साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया रखना है, स्क्रैब साइकिल्स माइटोकॉन्ड्रिया, और केल्विक साइकिल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, केल्विक साइकिल में C3 बोलते हैं, और क्रैब साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद, ठीक है ना, चलिए तो इसका आंसर ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। पोटेशियम की कमी का लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देता है, पोटेशियम की कमी के कारण डिफिशेंसी ऑफ सिम्टम्स पोटेशियम आर फर्स्ट विजिबल इन, किसके, जड़ों में, तन में, पत्तियों में, फल में, बताइए पोटेशियम की कमी से कहाँ, रूट्स, रूट्स में, स्टीम में, लीफ में, फ्रूट्स में, तो याद रखिएगा पोटेशियम की कमी का लक्षण जो होता है वो पत्तियों में दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है दोस्तों, पत्तियों में दिखाई देता है, किसमें, पत्तियों में दिखाई देता है, लीव्स में, पत्ता में। चलिए वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट बोला, एरोबिक एक होता है, एरोबिक एक होता है एनएरोबिक, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एनएरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक का पूछा अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा अंतिम प्रोडक्ट जो होता है एरोबिक का CO2 + H2O + एनर्जी क्या है, CO2 + H2O + एनर्जी एरोबिक का लास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा इसका, ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी के साथ CO2 H2O + एनर्जी, ये बताइए। ओराइजा सेटाइवा का द्वितीय नाम, मतलब पूछता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा, ठीक है, बायनोमियल नेम पूछ देता है, ओराइजा सेटाइवा बायनोमियल नेम बताना है, बायनोमियल नेम बताना है इसको, ठीक है, नॉमन क्लेचर जो भी है इस नाम पूछता है, साइंटिफिक नेम जो बोल सकते हैं आप लोग, ओरेवा सेटाइवा बताइए क्या होता है, चावल, गेहूँ, टमाटर, आलू, किसको बोलते हैं बताइए। चलिए तो इसको ओरेवा चावल को बोलते हैं, राइस को बोलते हैं, ठीक, याद रखना इसका। चलिए गेहूं को भी पूछता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, गेहूं का क्या बोलते हैं, ट्राइटिकम STVM बोलते हैं, ये हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत ना, STVM आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ट्राइटिकम STVM, इसको किसको, गेहूं को बोलते हैं, वीट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वीट को ट्राइटिकम STVM बोलते हैं, ये याद रखें। टमाटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, टमाटर मतलब टोमेटो, टमाटर मतलब टोमेटो क्या बोलते हैं, इसका याद रखिएगा, देखिए सोला, इसका तो नाम है सोलेनम लाइको, बस लाइको पूरा नहीं लिखा था, लाइको दिखे था, ठीक है, ताकि एग्जाम के लिखे लाइको, जैसे आलू को क्या बोलेंगे, सोलेनम ट्यूब, बस ठीक है, सोलेनम ट्यूब, ठीक है। चलिए एक और क्या बोलेंगे, एक और यहाँ याद किए, ये टमाटर हो गया, आलू के, एक ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब समझ रहे हैं, बैंगन, तो ब्रिंजल को क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलेनम मेला, बस इतना याद रखिए, ये शॉर्ट नाम बता रहे हैं, ठीक है, क्यों, देखिए चावल का तो पता चल गया, ओरेजा सेटाइवा चावल का हो गया, गेहूं का ट्राइटियम, ये इंपॉर्टेंट, गेहूं वाला याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए टमाटर का बोलेगा, देखिए सोलेनम तो सब में, सोलेनम टमाटर बोल दिया, फिर आलू बोल दिया, या फिर बैंगन बोल दिया, सोलेनम तो सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। टमाटर से याद रखिए लाइको, लाइको फिर याद रखे, लाल होता है लाइको, लाल लाइको, टमाटर लाल होता है लाइको, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के साथ। ट्यूब, आलू ट्यूब, आलू ट्यूब,
बस ऐसे याद रखिएगा, आलू ट्यूब दो चार में बोलिए, ब्रिंजल बैंगन तो मेला मेला से याद रखना है। जैसे ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों सोलेनियम सब में, ब्रिंजल का पूछेगा देखा मेला दिख रहा है, हाँ मेला बैंगन मेला में बैंगन लेने जाना है, ठीक है तो क्या बोलते हैं इसको बैंगन है तो मेलोजेना, मेलो इसका नाम है उसे मेलन जेना, ठीक है। चलिए तो इम्पोर्टेंट सब देख लीजिएगा, काफ़ी सबके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ चल रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको रिवीजन भी एक बार दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। बार बार बोल रहे हैं नहीं पढ़ेगा तो आपका खुद जिम्मेवारी, आप देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम पे पता चलेगा, मामला फुस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करिएगा, हेल्प मिल रहा है इसका मतलब शेयर कर दीजिएगा। और 11 बजे देखिएगा इतना शानदार 6 पॉइंट आपको बताने वाले हैं, और क्या पॉइंट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट चैप्टर का है, इतना बेहतरीन है दोस्तों, आप यकीन मानिए देख लेते हैं तो शायद एक क्वेश्चन 3 नंबर आपको दे के जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।